हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 42 करेंगे। 13 दिसंबर की इंग्लिश की क्लास 6 की लेसन फेयर प्ले को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट आगे बढ़ने से पहले फन फैक्ट जानते हैं। आज तो आज का फन फैक्ट है इन अ विलेज। जो विलेज होता है एल्डरली एंड जो वाइज पीपल होते हैं वो चूज किए जाते हैं एक लोकल कम्युनिटी से टू सेटल फाइट, एक फाइट को सेटल करने के लिए बिटवीन द इंडिविजुअल एंड विलेजेस, किसी एक बंदा और विलेज के बीच में। तो दिस असेंबली ऑफ 5 लीडर, तो एक असेंबली होती है जिसमें 5 लोग होते हैं और इस असेंबली को पंचायत कहा जाता है। तो द लीडर ऑफ द पंचायत, जो लीडर होता है पंचायत का, इसको मुखिया या सरपंच कहा जाता है। तो ये आप सभी याद रखेंगे। ये था हमारा आज का डू यू नो का फन फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, मैचिंग करनी है सबसे पहले आपको, और जो लाइंस है उनको कंप्लीट करनी है। जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन एंड अलगू और गुड फ्रेंड मैच होगा। फिर जुम्मन्स ओल्ड आंट क्या आएगा, फिर जुम्मन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। After a couple of years, Jumman and his family tired of his aunt. Jumman's wife grubbed even about the little food that old lady ate every day. Jumman aunt swallowed the food with insult for a few minutes. अब इतना आपने पढ़ा, अब read करना है आगे। तो one day she spoke to Jumman. एक दिन वो Jumman से कहती है, my son, Now it is obvious, अब ये ज्यादा हो चुका है, that I am not wanted your house, और अब मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना। Kindly give me a month allowance, सिर्फ मुझे एक मंथ का किराया तुम दे देना जिससे कि मैं अपनी सेपरेट किचन सेटअप कर सकूँ। My wife knows best how to run the house, और मेरी जो वाइफ है उसको अच्छे से आता है घर चलाना, ऐसा जुम्मन कहता है। Be patient, थोड़ा चुप रहो, सेठ जुम्मन शेमलेसली, बिना शेम करते हुए, बिना कुछ शर्माहट के वो कह देता है। दिस मेड इज आंट वेरी एंग्री, इसकी वजह से उसकी आंट को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेती है दैट वो अपना केस जो है विलेज पंचायत तक ले जाएगी। फॉर मैनी डेज, बहुत दिन तक जो ओल्ड लेडी वॉज सीन टेकिंग टू द विलेजर्स, वो बहुत सारे विलेजर्स से बात की उसने और अपना केस बताया जिससे कि वो उसकी सपोर्ट में हो जाए। तो सब सिंपेथाइज, सब ने उसको, कुछ ने क्या किया, सपोर्ट किया, कुछ ने लाफ किया हा हा हा, और कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने एडवाइस की तो वो अपने नेफ्यू और वाइफ के संग रहे आराम से। तो एट लीस्ट वो लास्ट में केम आती है अलगू चौधरी के पास और उससे कहती है, यू नो, आप जानती हैं चाची, जुम्मन इज माय बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जाऊँ, अलगू कहता है। बट इज इट राइट, क्या ये सही है, ऐसा उसकी मौसी कहती है। माय सन टू कीप, अब वो कहती है कि मेरे बेटे एक बात पूछूं, दैट जो वो इतनी बुरी तरह से कर रहे हैं इसे तुम फेयर और जस्ट कहोगे। जो ओल्ड लेडी थी वो कहती है, कम टू द पंचायत, चलो पंचायत पे आज चलते हैं और ट्रूथ बताते हैं। शी सेड, उसने कहा, अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू कुछ नहीं बोला, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, पर उसके वर्ड्स उसके जो ईयर थे उसमें रह गए। अब क्वेश्चंस, आपको चूज करनी है करेक्ट मीनिंग इन वर्ड्स की। अलाउंस, अलाउंस का मतलब क्या होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी, कोई अमाउंट ऑफ मनी। पेशेंट, टू स्टे काम, बहुत शांति से रहना। शेमलेसली, नॉट फीलिंग बैड, बिल्कुल भी शर्म ना आने, बैड फील ना करना किसी चीज़ के बारे में। सिंपेथाइज, टू फील सॉरी फॉर समवन, किसी के लिए सॉरी फील करना। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।